ये सलीम बोल के है, उसका बेटा है शहबाज, इसका ऑलरेडी चादरा घाट में 3 से 4 पिटी केसा हो गए। मैं साहब लोगों को बोला, साहब लोग ऑपरेट भी करे, उसको जो है सो डराए करे, मगर उन्हें क्या कर रहा, गोलियां खा के ये राफे रोडी शीटर है चादरा घाट का, ट्रांसफर हो गया सैदाबाद का, अब वापस फिर जो है सो यहाँ आके बैठ रहा कर रहा, उसको नहीं बैठना करना बोले तो एक 4-5 बच्चे मिले पूरे नशेड़िया है, गोलियां खा के नशे के गोलियां खा के जो है सो मैं वो तवक्कल पहुंचा हुआ अकबर के पास, मैं अंदर ठहरा हुआ था, सडनली अंदर जो है सो 6 आदमियां हाथों में पूरे जमीए तलवारा लेके घुसे, वो अल्लाह का फजल हुआ मेरे सर पे मेरे पीठ पे कहीं भी नहीं हुआ, क्योंकि वो जमीए ऊपर आजू बाजू लग जा रहे थे दीवार को, मेरे को नहीं लग सका, हाथों को लगा, हाथों को जो है सो पूरा स्टाब हो गया, एक उंगली का तो पूरा गोश चला गया, उसको जो है सो प्लास्टिक सर्जरी करते बोले, अब ये दूसरे स्टिचेस यहाँ देते बोले, अब उस्मानिया में जो है सो ग्लूकोज चढ़ाने जो है सो 10 बार चुबा दिए मेरे को, इसलिए यशोदा में जा रहा हूँ एडमिट होने के बाद से। और इन लोगों का ये जुल्म कब होता है, ये गोलियां ये गांजा ये ड्रग्स लेने वाले हैं इन लोगों का, ये शहबाज अमान राफे और उन लोगों के साथ जो है सो और बच्चे थे अदर्स बोल सकते हैं। पुलिस की पेट्रोलिंग नहीं होती सर, वहाँ पर पुलिस की पेट्रोलिंग होती हुई, पुलिस वहाँ पे कॉपरेट अच्छा करती पुलिस, मगर पुलिस क्या करती, पुलिस की गाड़ी जाते फिर आके इन लोग बढ़ जाते वहाँ, और वहाँ पे इलीगल 5 शव डाल लेके बैठे हुए इन लोग लाल कॉलोनी के पास, वो 5 शव के पास मंगल मंडी में लेडीज का आना जाना मुश्किल है, इन लोग पूरे गांजे मारना वहाँ पे पान के डब्बे के पास बचले, इन लोग पूरे गांजे मारना वहाँ पे पान के डब्बे के पास, बच्चियों को छेड़ना, बच्चियों को नंबर देना मंगल मंडी में, और नॉर्मल डेज में भी जो है स्कूलों को बच्चियां जो जाते कॉलेज के बच्चियां जो जाते वहाँ पे एक अड्डा बना के छोड़ दिए पान के डब्बे के पास, एक जुल्म करके छोड़ दे रहे यहाँ पे खाली गांजा गोलियां। नाम क्या बोले, पान के डब्बे का नाम नहीं है, मैसम्मा टेम्पल के बाजू पान का डब्बा, इलीगल 5 शव भाई, रोड पे ना मलगी बनी हुई है ना कुछ भी नहीं है, रोड पे बना लेके बैठे हुए लोग। आपके पर अटैक कितने बजे हुआ था? ये अटैक मेरे पे ऑलमोस्ट 9:30 पर ही हुआ, वहाँ पे ये नहीं, वहाँ पे नहीं हुआ, मेरे घर के पास नीचे हुआ, मेरे घर के पास आपके पर ही हुआ। पहले लोग आए मेरे को देख लिए, देख लेके फिर गए, फिर जाके फिर वापस आके मेरे पे अंदर घुस के अटैक करे, पर ही हुआ। नहीं नहीं, मेरे साथ मेरा और एक दोस्त भी था, उसका भी पूरा हाथ फ्रैक्चर हो गया, यहाँ पीछे उसकी गर्दन पे पीछे पड़ा हुआ उसको चाकू से, एक यहाँ हाथ पे उसके ऊपर। हमले की वजह क्या हो सकती है? ये वजह कुछ भी नहीं है, वो डब्बा परसों मेरे नाम पे लोग फॉल्स कंप्लेंट करे, वहाँ पे पान के डब्बे के सामने तरबूज की दुकान भी डाल लिया लोग, यानी रोज लेडीज का आना जाना मुश्किल हो गया। तो मैं इन लोगों को ये बोला, भाई मैं वहाँ का वार्ड मेंबर हूँ एरिया का, AIMIM पार्टी का, मैं इन लोगों को बोला ये कई को कर रहे हैं आप लोग, ये बोल के बोला, तो उन लोग क्या करे, नहीं हम कुछ भी करते तो कूंगा क्या होगा बोल के ये बहस हम बहस हुई, मैं रुक के बात करा, वो फुटेज लेके जाके PS में ही बताया, वहाँ पे भी मेरे नाम पे कंप्लेंट हुआ, 323 मेरे नाम पे बुक हुआ, उन लोग के नाम पे भी 323 बुक हुआ, 70 भी मेरे नाम पे भी बुक हुआ, 70 भी उनके नाम पे भी बुक हुआ। खैर मैं बोला साहब आपके रिलेटिव, उसका भी पूरा हाथ फ्रैक्चर हो गया, यहाँ पीछे उसकी गर्दन पे पीछे पड़ा हुआ उसको चाकू से, एक यहाँ हाथ पे उसके ऊपर। हमले की वजह क्या हो सकती है? ये वजह कुछ भी नहीं है, वो डब्बा परसों मेरे नाम पे लोग फॉल्स कंप्लेंट करे, वहाँ पे पान के डब्बे के सामने तरबूज की दुकान भी डाल लिया लोग, यानी रोज लेडीज का आना जाना मुश्किल हो गया। तो मैं इन लोगों को ये बोला, भाई मैं वहाँ का वार्ड मेंबर हूँ एरिया का, AIMIM पार्टी का, मैं इन लोगों को बोला ये कई को कर रहे हैं आप लोग, ये बोल के बोला, तो उन लोग क्या करे, नहीं हम कुछ भी करते तो कूंगा क्या होगा बोल के ये बहस हम बहस हुई, मैं रुक के बात करा, वो फुटेज लेके आके PS में ही बताया, वहाँ पे भी मेरे नाम पे कंप्लेंट हुआ, 323 मेरे नाम पे बुक हुआ, उन लोगों के नाम पे भी 323 बुक हुआ, 70 भी मेरे नाम पे भी हुआ, 70 भी उनके नाम पे भी बुक हुआ। खैर मैं बोला साहब आपके रिलेटिव है बोल के मालूम हुआ? ये रिलेटिव है मगर बदरविशा है, इन लोगों को 100-200 दिए तो रिलेटिव बन जाते, इन लोग 100-200 नहीं दिए तो एनिमी बन जाते, ये प्रॉब्लम है, पैसे दिए तो अच्छा है, पैसे नहीं दिए तो अच्छा है, वो इनकी EMI बनना करते गाड़ी की। कंप्लेंट कर दिया? हाँ मैं चादरगढ़ PS में कंप्लेंट कर दिया, देखो जो जो हुआ हाथों पे पूरे में फोटोस ले लिया, अब देखते हैं श्री सलम साहब ऐसे ही हमारे एरिया के, हमारे काला डेरे के, अब साहब मैं इनके साथ कॉपरेट कर रहा हूँ, साहब भी मेरे साथ बहुत कॉपरेट कर रहे हैं, अब देखते हैं क्या पुलिस से क्या रिस्पांस मिल रहा है आपको? अभी तक तो गुड है, स्टेटमेंट देने चादरघाट PS अरेस्ट हुए, अभी उन लोग अरेस्ट हुए, अभी यहाँ पे एक जना भाग गया बोल के मालूम, वो पकड़ा नहीं मालूम। चलो थैंक यू।